मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे सब लोग? आई होप सब मस्त होगे। तो चलो, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया सर कि स्पोकन की क्लासेस कुछ चला दो ताकि मैं स्पीकिंग करते वक्त मुझे दिक्कत ना है। तो आज उसी के अकॉर्डिंग आज मैं बात करूंगा स्पोकन क्लासेस के बारे में, राइट। तो चलो, स्पोकन के सीरीज में अगर हम बात करते हैं स्पोकन की, तो स्पोकन के लिए कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहला देखो, पहला तो ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के बिना स्पीकिंग इंग्लिश करना बहुत गलत है। और अगर ग्रामर ही सही नहीं होगा तो बोलने का तरीका क्या आएगा? अगर आप ग्रामर ही गलत बोलोगे, पास्ट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट को फ्यूचर में, तो सामने वाला इंसान क्या समझेगा? हमेशा गलत समझेगा, राइट। जो तुम कहना चाहते हो वो कन्वे नहीं कर पाओगे, राइट। तो चलो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है ग्रामर। जो हम ग्रामर पढ़ेंगे वो डिटेल वाइज नहीं पढ़ेंगे, जैसे एसएससी वगैरह में एग्जाम में आता है, उस तरीके का नहीं पढ़ना है। ग्रामर में हमें टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, मॉडल ऑब्जर्वरी पढ़ना है, बस यही सब पढ़ना है जिससे हम ट्रांसलेट कर सके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्ड पावर का। अब बताओ, बिना वर्ड पावर के क्या आप किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हो? अगर आपको वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता कि ईट को क्या कहते हैं और खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कैसे कहोगे कि आई ईट अ मैंगो? कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। तो वर्ड पावर जरूरी है और बेसिक वर्ड पावर जरूरी है। बहुत डेप्थ की वर्ड पावर की जरूरत नहीं है, डेली रूटीन में जो यूज होता है उस वर्ड पावर को आप जानते रहोगे तो बहुत हद तक इंग्लिश स्पीकिंग कर पाओगे। थर्ड रोल आता है देखो प्रैक्टिस, या हम कहें तो कॉन्वर्सेशन। देखो, मैंने कहा आप या तो प्रैक्टिस करो या तो कॉन्वर्सेशन करो। कॉन्वर्सेशन करने से ये होगा कि जो वर्ड पावर आपको नहीं आता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं आता, लेकिन आप जब किसी से बात करते हो तो आप उससे कुछ सीखते हो, और जब आप किसी से बात करते हो तो आपसे कोई कुछ सीखता है। तो स्पीकिंग में सबसे मेन रोल होता है स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग। सबसे पहले जरूरत है लिसनिंग की। जितना आप सुनोगे उतना ऑब्जर्व करोगे उतना आप सीखोगे। तो सबसे पहले सुनना शुरू करो। जब आप सुनने लगोगे इंग्लिश में, जैसे मूवीज वगैरह देखो तो हॉलीवुड मूवी हिंदी डब में मत देखो, देखो तो हिंदी में, इंग्लिश में देखो। आज से स्टार्ट कर दो, मैं कुछ ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, और जैसे ही जैसे ग्रामर पढ़ाऊंगा उस तरीके से, जैसे मैं बताता जाऊंगा उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाना। कुछ भी सोचो, वॉट एवर यू थिंक, थिंक इन इंग्लिश। जो भी सोचना है इंग्लिश में सोचो। अगर आप बैठे हुए अकेले में, आप डेफिनेटली सैकड़ों चीजें सोचते हो, राइट। लेकिन आप सोचते हो हिंदी में, उसी को ट्राई करो कि आप इंग्लिश में सोचो। किसी का बुरा भी सोचना है तो इंग्लिश में सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का बुरा करो या बुरा सोचो, बट इफ यू वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, थिंक इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में सोचते हो, आप मन में सोचते हो, आप उसे ट्रांसलेट करते हो, तो धीरे धीरे सीखते हो। आपको ये भी डर नहीं रहेगा कि हेजिटेशन रहेगा सामने किसी के सामने। सबसे पहले तो बेशरम बन जाना है, इंग्लिश सीखना है तो बेशरम बनना पड़ेगा। हेजिटेशन को निकाल के फेंक देना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। लोग आपको कमेंट करेंगे कि साला अंग्रेज बन रहा है, राइट। सॉरी, अभी इसी वर्ड नहीं बोलना चाहिए कि अंग्रेज बन रहा है। समाज ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप इंग्लिश में बोलोगे तो कहेगा अंग्रेज कलौंडा बन रहा है, राइट। तो आप ये सब को सोच के हेजिटेशन निकालना पड़ेगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हेजिटेशन निकालना, फिर प्रैक्टिस करना, और ग्रामर तो जरूरी है। वर्ड पावर आज से रोज 10-20 वर्ड पावर डेली रूटीन का याद करते चलो। आज हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। मैं ग्रामर आपको बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें सोचनी पड़ेगी इंग्लिश में, राइट। तो ग्रामर शुरू करने से पहले मैं पानी पी लूं। ग्रामर में हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस का, क्योंकि टेंस आ जाएगा तो आपका स्पोकन बहुत हद तक स्टार्ट हो जाएगा। अगर टेंस ही नहीं आएगा तो आपको ग्रामर की रूल का क्या ही करोगे आप, राइट। तो टेंस जब आ जाएगा तो आप चीजों को ट्रांसलेट करने लगोगे इंग्लिश में, और ट्रांसलेट करते करते ही चीजें सीखोगे। आप ये मत सोचो कि इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। हिंदी टू इंग्लिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बिगनर हो,
अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो तो आप बिगनर हो, राइट। तो बिगनर की तरीके सोचो और टेंस को शुरू करो। चलो अगर हम बात करते हैं टेंस की, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टाइम कहो, टेंस कहो। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। चलो प्रेजेंट किसे कहते हैं? जब हम प्रेजेंट की बात करें, मतलब जो अभी चल रहा हो उसकी बात करते हैं तो प्रेजेंट होता है, और जो चीजें बीत चुकी हो उसके लिए पास्ट का, और जो आने वाला है उसके लिए फ्यूचर, राइट। जैसे हम कहें क्लाइंट खींचते हैं, कोई काम हो रहा है तो ये प्रेजेंट में है, और कोई काम बीत गया है मतलब पास्ट में हो चुका है तो ये पास्ट में है, और कोई काम होने वाला है तो वो फ्यूचर में है, राइट। जैसे मैं कहूं वह गाड़ी चला रहा है तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। लेकिन मैं कहूं वह दिल्ली पहुंच जाएगा तो ये क्या हुआ? फ्यूचर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि उसने 9 बजे गाड़ी स्टार्ट किया था तो ये पास्ट में हो गया, राइट। तो प्रेजेंट और पास्ट एंड फ्यूचर समझ में आ गया होगा। चलो रब कर दो। देखो टेंस में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, राइट। हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो आप डेली रूटीन की चीजें बना सकते हो, राइट। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो रूल की बात करें तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब के साथ एस या यस लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। ये रूल होता है। तो मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के प्लस साथ एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन उठता है कि सर एस आई एस लगेगा कहां, राइट। तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो, सिंगुलर की बात हो तो वहां पे वर्ब के साथ एस या यस लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं। अब बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है जैसे मैंने कहा डू, फिर कहा डू या डज, फिर कहा डिड, डन और डूइंग, ये फॉर्म होता है, राइट। तो डू क्या हो गया? ये बेस फॉर्म हो गया, इसको फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके हम बेस में यूज करेंगे, मतलब ना कि डू का डज कर दे या डू का डिड कर दे, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपने लिखा सब्जेक्ट के साथ वर्ब, वर्ब के साथ एस आई एस ऑब्जेक्ट, और वर्ब एस आई एस लगेगा कहां पे? तो जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे एस आई एस लगाएंगे, और जहां प्लूरल होगा वहां बेस लगाएंगे, राइट। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये स्पोकन की क्लास है इसलिए मैं हिंदी टू इंग्लिश कराते चलूंगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाया हूं, उसको देख लेना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पोकन के लिए है। तो स्पोकन की पर्पज से चलेंगे हिंदी टू इंग्लिश करते हुए। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि हर बच्चा कमजोर है, हर बच्चे को इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं आता। मैं 0 to 100 लेवल पर लेके चलूंगा, ना कि हाई लेवल से पढ़ाऊंगा। तो इसलिए कुछ बच्चों को आ रहा होगा तो आगे आगे मत पूछना कि सर बहुत ईजी है, राइट। तो रूल लिख देता हूं ऊपर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब के साथ एस आई एस
प्लस ऑब्जेक्ट चलो एग्जाम्पल कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अगर हम बात करें वह दिल्ली कार से जाता है, तुम सुबह जल्दी उठते हो, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। तो वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। फिर लिखेंगे वह। वह क्या है, जाना। तो जाने के लिए इंग्लिश में क्या होता है, गो। और ही क्या है, ही सिमिलर है, इसलिए गो के साथ गोज ही ऐसा लगाएंगे, गोज हो जाएगा। फिर कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, गोज टू दिल्ली बाय किसके द्वारा, बाय कार, राइट। इसी तरीके देखो यू, यू सब्जेक्ट है, उठना क्या है, गेट अप कर लो, गेट अप अर्ली, अर्ली माने जल्दी, इन द मॉर्निंग, राइट। तो देखो यहां पे यू प्लूरल है, इसलिए यहां पे गेट का यूज हुआ, ना कि गेट्स का। यहां देखो ही सिंगुलर है, इसलिए यहां पे एस जोड़ के सेंटेंस को बनाते हैं, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे सिंगुलर होगा तो आप एस आई एस लगाएंगे, जहां सिंगुलर नहीं होगा वहां पे एस आई एस नहीं लगाएंगे। समझ में आया, समझ में नहीं आया कुछ लोगों को, अगर ट्रांसलेशन करने में बहुत दिक्कत हो रही हो तो उसको भी मैं इसी तरीके से बताता हूं। चलो इस सेंटेंस को बताता हूं, पहले वाले सेंटेंस को, जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता हो तो वो क्या करे, देखो बात मैंने करी, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब या एस आई एस, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो काम कौन कर रहा है, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे, ही। अच्छा बताओ वह काम क्या कर रहा है, जो जब जो बात क्या का आंसर दे, वहां पे वो कौन सा काम कर रहा है, जाना का काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होगा, जाना। तो गो को लिखेंगे, वो लिख दिए। अब बताओ ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एस आई एस लगाएंगे, गोज हो जाएगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स, ऑब्जेक्ट को क्या कैसे निकालेंगे, वह कहाँ जाता है, कहाँ का आंसर क्या देता है, दिल्ली। तो ही गोज दिल्ली। अब बताओ कैसे जाता है, बाय कार, राइट। समझ में आया, गोज, ही गोज दिल्ली बाय कार, राइट। समझ में आ गया। चलो इसी तरीके अगर मैं एक संदेश और दूं, मैं आम खाता हूं। चलो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, आई। क्या काम हो रहा है, खाना, ईट। आई क्या है, आई प्लूरल है कि सब सिमिलर, तो ये आई के साथ हमेशा याद रखना एस आई एस नहीं जोड़ते हैं, इसको प्लूरल ही मान के चलते हैं। तो यहाँ ईट लिखेंगे, आई ईट। फिर क्या खाता है, मैंगो खाता है, अ मैंगो, राइट। तो समझ में आ गया कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे सेंटेंस किस तरीके का बनता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख गए होंगे। अब नेगेटिव का देखते हैं। चलो
चलो अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो इस निगेटिव के लिए रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो किस तरीके से बनाएंगे, अगर मैं कहूं वह आम नहीं खाता है, राइट, तो हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डू या डज लगाएंगे, डज सिंगुलर के साथ डू प्लूरल के साथ लगाएंगे, तो बताओ ही सिंगुलर है कि प्लूरल, ही यहां पे सिंगुलर है या डज लगाएंगे, और डज के बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और क्या खा रहा है, मैंगो, मैंगो, राइट। इसी तरीके देखो अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसी को बना के देखते हैं, क्या वह आम नहीं खाता है, नहीं हटा, क्या वह आम खाता है, तो मैंने क्या कहा, जब सेंटेंस जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब को ही एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यूज करते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में, जैसे वह क्यों खेलता है, राइट, तो जब हम एक क्वेश्चन करते हैं और जिसका आंसर यस या नो में हो, जैसे मैं कहूँ क्या तुम आम खाते हो, तो इसका आंसर तुम या तो यस कहोगे या तो नो कहोगे। जहां पे आंसर यस या नो से आए और वो क्वेश्चन बनाना हो, तो सबसे पहले डू या डज पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसी सेंटेंस को बना के देखे, तो मैंने क्या कहा, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, तो ही लिखा है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो डज लिखेंगे, फिर ही, फिर लिखेंगे ईट अ मैंगो, इट्स अ मैंगो, राइट, क्या ये सही होगा, इट्स लिखना सही होगा, यहां बताओ, चलो बताओ ईट्स लिखना क्या सही होगा, गलत है, ईट्स नहीं होता, ईट होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एस आई एस हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं, तो दोबारा से एस आई एस जोड़ना सुपर फ्लॉस होगा और गलत होगा, तो इसलिए एस आई एस हम एक बार जोड़ेंगे ना कि दो बार। जब हम पहले ही एस आई एस हेल्पिंग वर्ब में जोड़ चुके हैं, तो मेन वर्ब में एस आई एस जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, राइट। तो आई होप आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझा। चलो अब एक और इंट्रोगेटिव के पार्ट से मिलते हैं, जैसे अगर हम बात करें, ये तो था क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड की बात करें, आप कर दो इसको भी, जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर यस या नो में नहीं बल्कि एक पूरे सेंटेंस में दिया जाए या फ्रेज में दिया जाए, तो वहां पे हम इस ग्रामर रूल का यूज करते हैं। जैसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ब, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में डू या डज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, राइट। चलो जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा सही समझ में आएगा। वह क्रिकेट क्यों नहीं, क्यों खेलता है,
पबजी भी लिख सकते हो, पबजी लवर आजकल बहुत है, राइट। तो अगर आप कहें वह क्रिकेट क्यों नहीं क्यों खेलता है, वह की जगह चलो यहाँ पे लिख लेते इस बार मैं, चलो फिर देखो क्वेश्चन वर्ड उठाओ, क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं वाई, तो लिखेंगे वाई। अब बताओ मैं की बात हो रहा है कि नहीं, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, और मैं क्या सिंगुलर है प्लूरल, तो मैंने बताया था प्लूरल की तरह यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ लिखेंगे डू, डू लिखेंगे अदर्स, सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल में है तो हम डू लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, ये देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखेंगे वो क्या है, क्या कर रहा है, क्या किया जा रहा है, तो खेलना काम हो रहा है, तो व्हाई डू आई प्ले, खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्ले, प्ले के साथ एस आई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उसका यूज हो चुका है और ये प्लूरल इसका यहाँ पे डू है, राइट। प्ले व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, राइट। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं ओपन एंडेड की तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो इसको जब समझते चलोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको जब समझोगे तो आगे चीजें क्लियर होती जाएगी। अगर इसे मैं तेज में पढ़ा दूंगा तो आपको एक भी चीजें आगे टेंस में समझ में नहीं आएगी। तो सबसे बेस यही है, इसको समझते जाओ तो आगे समझने में एक और इजी होगा, राइट। तो चलो इसी को निगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, चलो निगेटिव का रूल लिखो, ये तो हो गया अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम बात करें निगेटिव की तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसी को अगर बनाए मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूं, राइट। इसी में अगर हम निगेटिव सेंटेंस जोड़ दें तो किस तरीके से बनेंगे, चलो देखते हैं। मैंने कहा पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्वेश्चन वर्ड क्या है व्हाई, फिर लिखो डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डू लगा, फिर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे नॉट। देखो हमेशा जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए चाहे वो ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहां कभी भी नॉट लगा के लिखने की गलती मत करना क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत होता है, राइट। कभी भी व्हाई डू नॉट आई नहीं होगा बल्कि होगा व्हाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, राइट। समझ में आ गया। इसी तरीके अगर मैं बात करूं क्या वे, एक सेंटेंस और देख लो, क्या वे गाना नहीं गाते हैं, तो क्या करोगे, पहले लिखोगे, देखो यहां सेंटेंस क्या से शुरू है और इसका आंसर या तो यस में दोगे या तो नो में दोगे। पूरा ये तो नहीं कहोगे नो आई एम नॉट प्लेइंग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुमसे कोई पूछेगा क्या तुम गाना गाते हो, या पूछेगा क्या तुम गाना नहीं गाते हो, तो क्या होगी, या तो यस या तो नो। जब आंसर यस या नो में लिखे आए तो वहां पे हम सब्जेक्ट को ही हेल्पिंग वर्ब को ही एज अ इंटरोगेटिव वर्ड यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे डू या डज लिखेंगे। बताओ दे क्या है, वे क्या है, वे की स्पेलिंग होती है दे, और दे क्या है प्लूरल, प्लूरल है तो डज ना कह के ओनली डू कहना सही होगा, डू दे नॉट, नॉट क्या बताया था सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर सिंग अ सॉन्ग,
समझ में आया कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया? चलो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कुछ ट्रांसलेशन करते हैं। तुम बाजार कब जाते हो? दूसरा संदेश लिखो, हम सिनेमा नहीं देखते। रोहन रोज ब्रेड खाता है। चलो तीन सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, तो एक मिनट का समय दे रहा हूं। सबने ट्राई करा होगा राइट? चलो देखते हैं। मैंने कहा तुम बाजार कब जाते हो, ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में मैंने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड में क्या है? क्वेश्चन वर्ड है कब, और कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन, राइट? व्हेन। अब बताओ सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम को लिखो यू। अब बताओ यू सिंगुलर है कि प्लूरल? तो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? डू होगा, डज, डू होगा, राइट? व्हेन डू यू गो टू मार्केट? कहा गो टू मार्केट, राइट? समझ में आया? चलो अब सेकेंड सेंटेंस देखो, हम सिनेमा नहीं देखते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो बताओ पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? वी। वी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? तो वी प्लूरल है, तो वी के साथ हम लिखेंगे डू नॉट, वी डू नॉट वॉच सिनेमा। अब देखो लास्ट सेंटेंस देखो, रोहन क्या है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें रोहन क्या है? रोहन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे रोहन, ईट के साथ ईट लिखेंगे, ईट के साथ ऐसे लगाएंगे कि नहीं, क्योंकि रोहन सिंगुलर सेंटेंस है, इसलिए सिंगुलर वर्ड है, इसलिए ईट्स लिखेंगे, ईट्स ब्रेड, और रोज को क्या लिखेंगे? डेली या एवरीडे, राइट? तो आई होप आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट और सबको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप सुबह से शाम तक जो भी करते हो, जो भी करते हो सुबह से शाम तक, डेली रूटीन को आप पूरे पेज में लिखोगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अपने डेली रूटीन को सोचोगे भी इंग्लिश में, राइट? तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।